जैन साथियों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अब आपका बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है उसमें आपका बहुत कम समय बचा हुआ है, तो लास्ट के समय में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम में स्कोर में इम्प्रूव हो सके। तो लास्ट समय में आपको कौन सा टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए और किस समय के बाद आपको पढ़ाई बंद कर देना चाहिए। आज आप पढ़ सकते हैं, आप कल तक पढ़ सकते हैं, कल शाम के बाद आपको कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना, यानी कल आपको सवेरे सो जाना है और रेस्ट करना है आपको, और परसों आपको सुबह ही आपको पेपर देने जाना है टेंशन मुक्त होकर के। आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, कोई भी चीज़ का आपका किसी भी एग्ज़ाम का यानी 100% प्रिपरेशन नहीं होता है। आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, आप 5 साल भले तैयारी कर लीजिए, 10 साल तैयारी कर लीजिए, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम का 100% तैयारी नहीं होता है। तो ये आपको समझ कर जाना चाहिए कि आपको पूरे आता है, जो भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो आपको आता है, ये आपको समझ करके एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, तब आपको कॉन्फिडेंस है रहेगा। नहीं तो कॉन्फिडेंस लॉक कीजिएगा तो आपको हो सकता है एग्जाम में वही प्रेशर आपको आप पर आ जाए, इसलिए इसको हैंडल करना भी एक कला है आपका। तो टेंशन आपको नहीं लेना है, एग्ज़ाम ये समझिए आपको कि आपको सब कुछ आता है, इतना हार्ड भी एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आपका पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है बीपीएससी द्वारा। तो इसीलिए कहते हैं आपको कि टेंशन आपको नहीं लेना है, आप टेंशन मुक्त होकर जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। आप ये समझिए कि आपको सभी टॉपिक आते हैं, आपको जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सभी आपको आता है, ये आपको समझ कर जाना है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का आपका 100% तैयारी कभी नहीं होता है, किसी के नहीं हो सकता है 100% तैयारी। आपको 100% क्वेश्चन बनाना भी नहीं है, ये भी देखिए ना, आपको 100% क्वेश्चन बनाना भी नहीं है। आप 60% बना कर लाइए, आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। तो कट ऑफ है भी नहीं जाएगा, आपको पता होगा कट ऑफ है नहीं जाने का कारण क्या है। तो कट ऑफ आपका है भी नहीं जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप अभी तक जो भी पढ़े वो समझिए कि आप सब कुछ पढ़ लिए हैं, और जो भी पढ़े आपको कुछ समय बचा इसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर कल तक में, आज और आप कल तक में कौन सा टॉपिक रिवाइज करें जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। लेकिन कल शाम के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए आपको जो समय बचा है इसमें क्या पढ़ना चाहिए। अब देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। देखिए, आप बिहार बजट पढ़ सकते हैं 2023-24, ठीक है, जो आपका बिहार बजट है इसे आप पढ़ सकते हैं, इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो 23-24 का जो बजट है, बिहार बजट, इसे पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद आपका आता है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जो 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरे आपको नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आपका आता है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है, इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप बिहार जनगणना 2011 का आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कि यूनियन बजट यानी भारत सरकार के बजट, यूनियन बजट 2023-24 और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप भारतीय वन रिपोर्ट 2021 को पढ़ सकते हैं, और करेंट अफेयर जो 2023 में इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हैं। स्टैटिक जीके आप मत पढ़िए, जैसे हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, उसे अब आप मत पढ़िए। आप जो अभी तक पढ़ लिए वही आपके लिए काफ़ी है। रिवाइज करने के योग आपका यही टॉपिक है जो आपका करेंट से रिलेटेड है, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ये आपको एग्जाम में आपको फायदा भी करेगा। अब देखिए, उसके बाद बात हुआ आपका कि आपको एग्जाम सेंटर पर कब पहुंचना चाहिए। देखिए, आपका ऐसा है कि आपको परसों एग्जाम है, तो देखिए परसों एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो भाई स्टूडेंट आपको पहले पहुंच चुका है और आपका होटल वहां नहीं मिलेगा, फिर आपका रूम नहीं मिलेगा, तो आप कहां रहेंगे। इसलिए कहते हैं आपको कि जिसका दूर सेंटर है वो आज ही निकल जाइए, नहीं तो आप कल मॉर्निंग तक आप निकल जाइए, कल मॉर्निंग तक निकल जाइए। ऐसा मत कीजिएगा कि एग्जाम के दिन आप जाइएगा, एग्जाम के दिन आपको नहीं जाना है। कितना भी नज़दीक आपको वहाँ जाकर रूम लीजिए और वहाँ पर आप रहिए, ठीक है, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। आप जब घर से जाएंगे, भले नज़दीक है, घर से भी जाएंगे तो आपको यानी हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको प्रेशर आ जाए, हो सकता है आपको कहीं जाम में फंस जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं आपको एक दिन पहले निकलना चाहिए, आज आप निकल जाइए ज़्यादा दूर है, नहीं तो कल आप सुबह में मॉर्निंग में निकल जाइए आपके सेंटर पर, ठीक है, वहाँ आराम से आप रूम लेकर रह सकते हैं और वहाँ रहिए और आप आराम से परसों एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम के दिन सेंटर पहुंचते हैं तो हो सकता है उस कारण से आपका कुछ नंबर कम आ जाए, होता है ऐसे, कुछ प्रेशर आपका आ जाता है जिससे आपको कम मार्क आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए कहते हैं आपको एक दिन पहले आपको जाना चाहिए। ऐसे भी आपका होटल मिलेंगे नहीं क्योंकि आपका बहुत सारे स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट कल ही जा चुका है, आज गया है,
तो आपका यदि सेंटर दूर है तो आज ही निकल जाइए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वहाँ का आप गूगल से वहाँ के होटल का आसपास का नंबर लीजिए और उसको कॉल कीजिए और वहाँ आप होटल बुक कर सकते हैं। फ़ोन पर भी होटल बुक होता है, तो जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ आप होटल बुक कर लीजिए। तो आप कल शाम तक भी जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका होटल पहले से ही बुक हो गया रहेगा। ठीक है, तो ये आपका है कि सेंटर में आपको कैसे पहुँचना है। तो सेंटर में आप पहले पहुँचिए जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। कल रात में आपको अच्छे से आराम करना है, क्योंकि आपको सुबह आपको एग्ज़ाम देने जाना है। कल के रात में आपको नहीं पढ़ना है, कल रात में आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं पढ़ना है। आराम से आप खाइए पिए, आराम से आप सो जाइए सवेरे, और सवेरे आप मॉर्निंग में उठ जाइए और अपने सेंटर पर चले जाइए। तो इससे आपका ये होगा कि आपका दिमाग शांत रहेगा। अब मान लीजिए कल रात में जो पढ़ेंगे उसको दिमाग में टेंशन रहेगा, सुबह भी माथा घूमते रहेगा, उसको क्या पढ़ना है। तो हमेशा पढ़ना नहीं, आप जो पढ़ लिए हो गया भाई, आप कितना पढ़ना है, जितना अभी तक आप पढ़े हैं वही आपके लिए काफ़ी है। आपको कल रात में नहीं पढ़ना है। हाँ, आज आप पढ़ सकते हैं, कल तक आप पढ़ सकते हैं। उसमें आप करेंट को रिवाइज कीजिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज कीजिए, जो आपका करेंट से रिलेटेड है उसे आप पढ़िए, ये आपको फायदा करेगा। स्ट्रैटेजी के मत पढ़िए, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब देखिए, अब ये होगा आपका, जैसे आपका परसों एग्जाम होगा, आपको पता होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका फर्स्ट शिफ्ट में मेल कैंडिडेट का एग्ज़ाम है और सेकेंड शिफ्ट में आपका फीमेल कैंडिडेट का एग्ज़ाम है। तो देखिए ऐसा कीजिए, जैसे मेल कैंडिडेट है उसका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में, अब जो सेकेंड शिफ्ट में है यानी आपका फीमेल कैंडिडेट है उसको हम बताना चाहते हैं कि जब आपका यानी जब तक फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म नहीं होने वाला है उससे पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट का स्टूडेंट निकलेंगे तो उससे क्या होगा, रोड जाम हो जाएंगे। जब आपका रोड जाम हो जाएंगे उस समय आप सेंटर पर पहुँचने की कोशिश कीजिएगा तो आप हो सकता है समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए कहते हैं आपको कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो फर्स्ट शिफ्ट खत्म होने से पहले आप वहाँ सेंटर पर पहुँच जाइए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत सेंटर पर पहुँचने में न हो। यही आपको बताना आए थे कि आप समय पर सेंटर पर पहुँचिए। आपका गर्ल्स जो है, यानी जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, वो आप फर्स्ट शिफ्ट समाप्त होने से पहले सेंटर पर पहुँचिए। इससे हो सकता है आपका ये भी फायदा होगा कि क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, थोड़ा देख लेंगे कि आखिर किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप देख सकते हैं जब आपका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम देकर निकलेंगे तो। ठीक, आपको हम बताना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट है आप फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम देकर निकलेंगे उसके बाद आपको तुरंत हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको जैसे एग्जाम होगा उसके बाद आपको हम पूरे क्वेश्चन को आपका सही सही आपको हम आंसर की बताएंगे, वहाँ से आप आंसर की मिला सकते हैं और अपने स्कोर आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितने आ रहा है, आप सेफ जोन में है या नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको हम कटअप भी बताएंगे कि आखिर किस लेवल का क्वेश्चन था और इसका कटअप कितने जा सकते हैं। ये सब आपका यानी परसों शाम तक आपको हम बता देंगे एग्जाम होने के बाद। तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा आपको हम आंसर की भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, एग्जाम के बाद तक भी आपका एग्जाम जैसे होगा वैसे आपको हम आंसर की प्रोवाइड कराएंगे और आप यहां से मिलाकर देखिएगा कि आपको कितने मार्क आ रहे हैं। तो आप आराम से जाइए एग्जाम देने के लिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ये समझिए कि आपको सब कुछ आता है, इतना समझिए, आपको जितना भी अब्जेक्ट पढ़े सब आपको आता है, जो भी एग्जाम आएगा वो आपको आता है, तभी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो होगा तभी आपका दिमाग पर प्रेशर आ जाएगा, ठीक, टेंशन आ जाएगा कि हम इतना ही पढ़े हैं, इतना ही पढ़े क्या होगा। देखो भाई, कोई भी 100% नहीं पढ़ा है, क्योंकि समय कितना दिया, समय तो भाई 3 से 4 महीना दिया, समय 2 से 3 महीने समय दिया, उसमें कितना पढ़ पाएगा। तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा आपको हार्ड नहीं आएगा। अब देखिए, आपको निगेटिव भी हटा दिया, और जब आपका नेगेटिव भी हटा दिया तो और आपका टेंशन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि नेगेटिव हटा दिया है तो उतना टेंशन है नहीं। इसलिए कहते हैं आपका कटअप भी कम ही जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है हो सकता है आपका इसमें कम हो, ठीक है, एग्जाम तो भले दे रहे हैं लेकिन हो सकता है बाद में कुछ कैंडिडेट आपका कम हो, तो इससे ये होगा आपका कि कटअप कम जाएगा, कटअप कम ऐसे भी जाएगा, क्वेश्चन आपका इतना हार्ड भी नहीं रहेगा। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, जो अभी तक पढ़े हैं आप मान लीजिए कि आपको सब कुछ पढ़े हैं, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, इसको मानकर आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छे जा सकता है, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, नहीं तो आप फिर प्रेशर में आ जाएंगे। हमको पता है कि आपको भी टेंशन होता होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं वैसे वैसे टेंशन आपको बढ़ते जाता है। तो आप लोग टेंशन मुक्त होकर एग्ज़ाम देने जाइए, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का 100% तैयारी नहीं होता है, ठीक है, जैसे आप हैं वैसे अदर स्टूडेंट भी है, तो सबका तैयारी ऐसा ही है। तो आप जाइए, आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आपको इतना हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि BPSC भी जानते हैं कि वो कितने समय दिया है आप लोग को तैयारी करने के लिए, तो इसी के अनुरूप आपका क्वेश्चन भी बनेगा, इसी के अनुरूप आपका क्वेश्चन भी बनेगा। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, आप ये समझ कर जाइए कि आपको सब कुछ आता है,
तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो यही सोच कर आपको जाना है, और जो आपको लगता है कि रिवाइज करना चाहिए अभी तो वो आप कर लीजिए कल तक, लेकिन कल शाम के बाद आपको रात में नहीं पढ़ना है, कल शाम के बाद आपको रात में कुछ नहीं पढ़ना है, आराम कीजिए, आप आराम से परसों जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ, एक चीज़ बात है कि आप सेंटर पर पहले पहुँचिए, आज जाइए सेंटर पर या कल आप सुबह मॉर्निंग में निकल ही जाइए, कल आप मॉर्निंग में सेंटर पर निकल जाइए और आप अपना सेंटर पहुंचिए और आराम से आप परसों एग्ज़ाम दीजिए, इससे आपका ये होगा कि एग्ज़ाम आपको अच्छा जाएगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के दिन सेंटर पर पहुंचते हैं, इससे ये होगा कि आप घबराहट में आ जाएंगे और हो सकता है उसके कारण आपका कुछ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत किए हैं। हम देखे हैं कि आप लोग 3 महीने से मेरे साथ आप जुड़े हैं और जितना हो सके हम आपको पढ़ाए हैं, जो भी पॉसिबल हो सके आप लोगों को हम करवाए हैं। जितने आपका क्वेश्चन था BPSC में पूछा गया सबको हम सॉल्व कराए, मैथ भी करवाया, तो साथ में आप देखे होंगे कि जितने भी टॉपिक आप लोग डिमांड किए सभी को हम कवर करवाए हैं। तो आज तक हमें जितने हो सका उतना आप लोग को हेल्प किए हैं, ये मेरा आशीर्वाद है कि आप लोगों का पेपर अच्छे से जाएंगे और आप सभी भावी शिक्षक बनेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।